अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबके? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर आपकी अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है? जी मैम। आप मुझे ये बताएं कि आपका आप सबका कौन कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? हम सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। सेकंड सेमेस्टर, ओके, सही। सबका सेकंड है? यस मैम। या कुछ बच्चों का कोई और सेमेस्टर भी है? मेरे ख्याल से नहीं है कोई भी, सारे सेकंड के ही हैं। सही। आपको ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल नहीं लग रहा? मैम बहुत लग रहा है, मुश्किल बहुत लग रहा है। सही। आपके बाकी सब्जेक्ट भी हैं ऑनलाइन या सिर्फ यस मैम? नहीं मैम, इस्लामियत भी ऑनलाइन है, मैकेनिक्स भी ऑनलाइन है, और मैम ये आपका सब्जेक्ट ऑनलाइन है बस। ट्राई तो है कि मतलब कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ऑनलाइन से कन्वर्ट हो जाए उसमें ना। जी मैम, मैम इस्लामिया तो इंग्लिश भी मैम ऑनलाइन है, इस्लामिया तो इंग्लिश तो फिर भी मैम ऑनलाइन ठीक रहती है, उसका इतना इशू नहीं होगा, जितना पाक स्टडीज भी ऑनलाइन थी। हाँ जी, लेकिन ये वाला इशू बनेगा आप लोगों के लिए कि ना मतलब कि ऑनलाइन वाले में। वालेकुम अस्सलाम। मिस मेरी अटेंडेंस अभी किसी की भी नहीं लगाई मैंने। सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो जाएं, फिर लगाते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। मैम मैं वो उसके मैकेनिक वाले सर को भी कहा था कि आप करके बात ना यूनिवर्सिटी वालों से, तो हमारा मैकेनिक है भी मेजर सब्जेक्ट। हां जी, तो उन्होंने एक्चुअली पता है क्या, एक्चुअली पता है क्या, जब तक आप लोग नहीं ना बात करोगे, आप लोगों को बात करनी चाहिए जाके। आप अपने डिपार्टमेंट से बात करें कि हमारा ये सब्जेक्ट जो है ये आप ऑनलाइन से दूसरे उसमें शिफ्ट कर दें, हमें इस तरह पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैम एडवाइजर से बात करें? हाँ जी, आप अपने एडवाइजर से बात कर लें या सीओडी से बात कर लें, चलें ठीक है मैम, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो है उसमें शिफ्ट कर दें वो, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कि उसमें हो सकता है, बाकी आपके बात करने पर डिपेंड करता है। ठीक है मैम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अटेंडेंस हो गई है? नहीं अभी नहीं हुई है, आफ्टर 5 मिनट्स लगाते हैं, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो जाएं, फिर लगाते हैं। ओके, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट पहले पढ़ा है? यस मैम, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में डेरिवेटिव ही ना मैम ये? डेरिवेटिव ही है बेसिकली, लेकिन इसमें ये होता है कि मतलब कि हमारे पास जो होता है ना कि आपने कैसे अपने सॉल्यूशन को देखना है कि आपके पास कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और कितने आपके पास इंडिपेंडेंट हैं, कितने आपके पास डिपेंडेंट हैं, तो मतलब कि इस तरह से आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके डिफरेंट मेथड्स होंगे कि आप मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किन डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो इतना मुश्किल नहीं है ये सब्जेक्ट, आप लोगों के लिए ईजी ही होगा। मैं कितने क्रेडिट आवर्स का है? ये 3 क्रेडिट आवर का है आपका सब्जेक्ट। मैम 2 क्रेडिट आवर्स हो रहे हैं। 2 शो हो रहे हैं। यस मैम 2 का है। यस मैम 2 का है। 3 का हमारा मैम 2, एक मैकेनिक्स है और एक सर्किट है। ठीक है, फिर आई थिंक सो कि 2 का ही हो, मुझे आईडिया नहीं है वैसे इसका कि 2 का है या 3 का है। इसकी बुक कौन सी होगी? इसकी बुक जो मैं आपको नोट से करवाऊंगी आप वही कर लें, नहीं तो अगर ज़्यादा आप करते हैं तो आप
मैथमेटिकल मेथड की बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है उसमें मैथमेटिकल मेथड की, उसको आप फॉलो कर लें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी आप वही अच्छी तरीके से कर लें। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन गिवन करूंगी, आपने वो क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है लास्ट में। मैम अगर वो बुक चाहिए तो आप हमें सॉफ्ट फॉर्म में दे सकती हैं यूनिवर्सिटी में? सॉफ्ट फॉर्म में हाँ जी मैं आपको दे दूंगी, मैं आपके जो मॉडल है ना उस पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है हाँ जी, हो गए हैं सब प्रेजेंट? यस मैम। ये एक ऐड शो हो रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? एक ऐड शो हो रहा है। अब्दुल रहमान मलिक प्रेजेंट मैम। अब्दुल साजिद, एसन रोफ, बुरहान मुजफ्फर, प्रेजेंट मैम। दानिश प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद यासिर महमूद प्रेजेंट मैम। मलिक खालिद यूसुफ मोहम्मद यूसुफ मलिक प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमाद नासिर प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुहेब प्रेजेंट मैम। अब्दुल साजिद प्रेजेंट। अब्दुल साजिद ठीक है भाई, जो जो प्रेजेंट बोलते जा रहे हैं ना वो अपने माइक म्यूट करते जाएं प्लीज। जुनैर खालिद, मोहम्मद जुनैर खालिद, अमार सईद, मोहम्मद अमार सईद प्रेजेंट मैम, मोहम्मद फजील अथर प्रेजेंट मैम, मोहम्मद हमाद यस मैम, रमीज तकी, मोहम्मद रमीज तारिक Yes, ma'am. रिजवान जावेद मैम, इसका मैसेज है इसके फादर को हार्ट अटैक हो गया वापस जा रहा है। ठीक है मोहम्मद सलमान जुबैर मैम, मोहम्मद जुनैर प्रेजेंट है। मोहम्मद जुनैर ठीक है यस मैम। उसके बाद मोहम्मद सलमान जुबैर यस मैम। यस मैम। शहबाज प्रेजेंट है अहमद, ठीक है शहबाज। सैयद कामरान अली प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी यस मिस अली रजा काजमी। तलहा फरूक प्रेजेंट मैम। उस्मान उसामा फतेह अली उसामा फतेह अली ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ये स्क्रीन? यस मैम, लेकिन साइड पे एक ऐड शो हो रहा है जो उसके ऊपर आ रहा है। हाँ जी, आप बोल रहे हैं? जी आप बोल रहे हैं। अच्छा, बेसिकली हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इक्वेशंस को देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और आपके पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों और उन वेरिएबल्स का कोई सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करता हो, वो आपके पास क्या होगी? इक्वेशन होगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ही इक्वेशन लिखूं कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। हमारे पास x का सॉल्यूशन भी आ सकता है और y का।
वाई का सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. अगर हम यहाँ पर एक्स को ज़ीरो पुट करें तो हमें वाई की वैल्यू टू मिलती है. अगर हम वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू टू मिलती है. हाँ जी हमाद नासिर. मिस स्क्रीन ब्लैक आ रही है. हमाद आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है. अब नजर आ रही. हमाद आप क्या कह रहे हो? मुझे मुझे समझ नहीं आ रही आपकी क्या कह रहे हो. मेरे से वो पहले आपने ना स्क्रीन शेयरिंग आपकी बंद थी अभी ऑन हो गई. ओके ठीक है. यहाँ पर देखो कि ये तो सबसे पहले तो हम इसको ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इक्वेशन है हमारे पास के नहीं है. कौन बच्चा बोलना चाह रहा है? इसमें देखते हैं हम कि हमारे पास एक इक्वेशन है. ठीक है यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास अगर हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो हमें वाई का सोल्यूशन मिलता है जो कि टू आ रहा है. ठीक है और अगर आप वाई को जीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी. मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों वेरिएबल्स का सोल्यूशन जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है तो इसका मतलब कि ये आपके पास एक इक्वेशन है. ठीक हो गया. अब लेकिन अब हमने क्या करना है कि इक्वेशंस का तो हमें पता चल गया कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स या वन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और उसमें आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास या जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या होना चाहिए एग्जिस्ट करता हो तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है. ठीक है ये क्लियर है पॉइंट सबको? यस मैम. ओके उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? अब हमने क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव. ठीक है क्या एक इक्वेशन हो जो कि कंटेन करती हो डेरिवेटिव को. डेरिवेटिव किस शेप में होता है आपके पास? dy ओवर dx की शेप. ठीक है वो क्या होगा आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव. अब एक इक्वेशन है जो कि कंटेन करेगी. कंटेन क्या करेगी? फर्स्ट डेरिवेटिव को ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है. ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास ये होता है कि लाइक अगर मैं यहाँ पर आपके लिए कोई एक इक्वेशन लिख दूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देती हूँ मैं, जैसे कि आपके पास लिख दिया y इज इक्वल टू x plus 2. ठीक है ये आपके पास एक इक्वेशन लिख दी है मैंने कि y इज इक्वल टू x प्लस टू. तो यहाँ पर देखो कि आप यहाँ पर मुझे बताओगे कि y की वैल्यू जो है y की वैल्यू क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है किस पर? x पर डिपेंड कर रही है. ठीक है y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर डिपेंड कर रही है. इसका क्या मतलब है कि x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्योंकि जाहिर बात है जब तक हम y x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास नहीं निकलेगी तो y की वैल्यू नहीं आएगी. इसका क्या मतलब है कि y जो है वो वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पर? x पर डिपेंड कर रही है. एग्जाम्पल हम इसकी ये ले लेते हैं, जैसे कि आप अपने घर में देखें कि आपके पास आपके फादर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है और आप सब क्या कर रहे हो? उन पर डिपेंड कर रहे हो. इसका इसी तरह ही सेम प्रोसीजर यही है कि वाई जो है वो हमारे पास क्या है? एज अ फादर ट्रीट होगा, सॉरी एज अ चिल्ड्रन ट्रीट होगा. ठीक है एज अ चिल्ड्रन ट्रीट होगा वाई जो है, और एक्स जो है वो एज अ पेरेंट्स ट्रीट होगा. मीन्स के वो इंडिपेंडेंट होगा और वाई आपके पास क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. क्लियर है ये पॉइंट अब सबको? यस मैम. आपके पास y जो होगा y वो आपके पास क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. जब तक हम x की वैल्यू उसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमें y नहीं मिलेगा. तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है और x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक हो गया ये भी क्लियर है सबको पॉइंट?
यस मैम क्लियर है. ओके अब आप आ जाओ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. अब उसने क्या कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन लिखें तो उसमें आपने मुझे बताना है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ, dy over dx plus du over dv plus ds over dt is equal to zero. ठीक है, ये आपके पास कोई एक इक्वेशन है. अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं. मैम ये सारे ही इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं सारे. सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं. यस मैम, वो जीरो है. नहीं मैम, ये सारे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, आप बताएं मुझे मैम, जो dy / dx है ये डिपेंडेंट है और du और dv और ds और dt इंडिपेंडेंट है. ये इंडिपेंडेंट. ठीक है, लेकिन आप लोग गलत बोल रहे हो. ठीक है, यहाँ पर आपके पास एज अ y, ठीक है, आपके पास जो y है, y आपके पास जो u है और s है. ठीक है, ये आपके पास क्या है, एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट हो रहा है. उसके बाद आपके पास x और v और t, ये एज अ क्या यूज हो रहा है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है. ठीक है, ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. देखो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट से, हम डेरिवेटिव लेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है. और जिसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर हमारे क्या होता है, ट्रीट हो रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं y का फंक्शन लूँ, y के अकॉर्डिंग मैं लूँगी तो मेरे पास y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. उधर उसी के ही अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो u आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और v आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपके पास s क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब उसने ये कहा है कि एक इक्वेशन ऐसी जो कंटेन करे डेरिवेटिव को, मींस के उसने कंटेन कर लिया डेरिवेटिव को ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पर देखो कि आपके पास थ्री हैं, तो थ्री में आपके पास थ्री, वन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में बताएं कि आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, तो आपने काउंट करना है कि डिपेंडेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो सारे आपके पास छह वेरिएबल्स आ जाएंगे. ठीक है, सिक्स वेरिएबल्स जो हैं वेरिएबल्स हैं. अब आपसे ये पूछा जाए कि कितने डिपेंडेंट हैं और कितने इंडिपेंडेंट हैं, तो आपने बताना है कि तीन आपके पास डिपेंडेंट हैं और तीन ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, जिसमें आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और उसमें आपके पास एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और उन्हीं के ही रिस्पेक्ट से आपके पास एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, ऐसी इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं. क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, नेक्स्ट चलें. यस मैम. अब आ जाते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स पर, कि क्लासिफिकेशंस या टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. आपके पास टू टाइप्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. कितनी टाइप्स हैं आपके पास? टू टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि इफ एन इक्वेशन contain only ordinary derivative of one or more dependent variables. ठीक है, अब dependent variables से आपको पता चल गया कि जो depend कर रहा होगा, ठीक है, वो वाले variables एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं.
उन्हीं के रिस्पेक्ट से आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. सिंगल वेरिएबल्स इज एन ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को समझो कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं? एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो जस्ट एक ही होगा. ठीक है, वॉइस समझ आ रही है? समझ नहीं लगी मैम, समझ नहीं लगी. यस मैम, समझ आ रही. ठीक है, आप यहाँ पे देखा है कि आपके पास कैटेगरी क्या थी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. अब हम जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में गए हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसने बोल दिया है कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल. अब डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह के हो सकते हैं? लाइक वाई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है. ठीक है, ये आपके पास क्या होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट एक ही होगा, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर मैं इसकी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूँ, लिख के आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल क्या आपके पास. अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी डी वी डी वी ओवर डी एक्स प्लस या इक्वल टू टू रख लें. ठीक है, अब यहाँ पर आप बताओ कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं. टोटल तो पहले ये बताएं कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं. वेरिएबल चार हैं. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड. और डिपेंडेंट कितने हैं और इंडिपेंडेंट कितने हैं? हाँ जी, वेरी गुड. अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया हुआ है कि उसने कहा है डेफिनेशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास वन या वन से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. U आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. V आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इन डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट एक है जो कि X है. ठीक है, और इस तरह की इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं. क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम. ओके, अब यहाँ पर आप इसकी ये एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल आ रही है डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स. अब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेस क्या करती है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कहती क्या है कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए उस तरह की इक्वेशंस, मतलब कि जो कंटेन करे डेरिवेटिव्स को. तो इसमें डेरिवेटिव उसने कंटेन किया हुआ है. ठीक है, उसने कंटेन किया है कि डी वाई ओवर डी एक्स है. इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास ये इक्वेशन y जो है, y वेरिएबल है, ये आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. और जो आपके पास x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये इक्वेशन जो होगी क्या होगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट एग्जांपल से हमें पता चल गया. अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं तो उसमें डी वाई ओवर डी एक्स है माइनस डी वी ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू एक्स है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंडीशन देखो तो उसने कहा है कि वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पर वाई क्या है आपके पास? डिपेंडेंट वेरिएबल है. और वी आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, लेकिन एक्स आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट है. यहाँ पर भी एक्स क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट. इसका क्या मतलब है कि वाई आपके पास वाई और वी डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो आप इस तरह की इक्वेशंस को देखकर फौरन से बोलो कि ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आप सबको? Yes, ma'am, clear. Okay. आगे चलें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर. बाकी सब भी रिस्पॉन्स करो मुझे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है.
अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप्स पे. वो है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट वाली आपके पास क्या थी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और सेकंड वाली आपके पास क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है? कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल. इससे क्या समझ आया आपको? कि आपके पास वाई से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, उन्हीं के रिस्पेक्ट टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. इंडिपेंडेंट टू से ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, होंगे. पॉसिबिलिटी नहीं है कि होंगे, उसने ये लगा दी है रिस्ट्रिक्शन कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखो तो यहाँ पर एग्जांपल उसने दी हुई है कि डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी पार्शियल पार्शियल. ये पार्शियल का साइन है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स. अब ये आपके पास यू क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. और वी आपके पास क्या है? ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो क्या हुआ कि दो एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो उन्हीं के रिस्पेक्ट आपके पास दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा नहीं. ठीक है, ये पॉइंट माइंड में रखें. एक या एक से ज्यादा की कंडीशन नहीं, दो या दो से ज्यादा की कंडीशन हो सकती है. ठीक है, तो ही हमें पता चलेगा, तो ही हमें पता चलेगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. जैसे कि यहाँ पर आप लो तो ये y और x आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो इसका क्या मतलब है कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल जिस इक्वेशन में होंगे, आपने फौरन देखते हुए कहना है कि ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. यस मैम, मैम ये जो पहली लाइन लिखी हुई है n इक्वेशन इन वैल्यूज, इसका क्या मतलब है? वैल्यूज होगी मतलब नहीं, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स है, इन्वॉल्व द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर इन्वॉल्व्स है. इन्वॉल्व लिखा हुआ है. हां जी हां जी, ठीक ओके सॉरी. इन्वॉल्व्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये उनसे लिखने में प्रॉब्लम होगी. हां जी, ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही यही है कि उसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये जो एग्जांपल लिखी हुई है इसके अंदर ने पार्शियल यू लिखा हुआ है ना? हाँ जी हाँ जी. ये डी यू नहीं लिखा हुआ, पार्शियल यू लिखा हुआ है ना, कि डी यू लिखा हुआ है. मैं आपको यही तो बात बता रही हूँ कि ये क्लेरिफिकेशन के लिए है कि जब आपने ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपने डी यूज करना है. ठीक है, जब आपने ऑर्डिनरी यूज करना है तो आपने डी यूज करना है, लेकिन जब आपने पार्शियल यूज करना है तो फिर आपने ये साइन पार्शियल वाला यूज करना है. ठीक है मैम. यस मैम. और सेकंड आपके पास ये इसकी कंडीशन होगी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास एक आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने डी यूज करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, लेकिन जब आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी है तो उसमें आपके पास एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उसी के रिस्पेक्ट आपके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने पार्शियल का साइन यूज करना है. ठीक है, इंडिपेंडेंट दो ही होने चाहिए. इसको इन्वर्ट कर दें. अच्छा हाँ जी, इंडिपेंडेंट दो जरूरी है. हाँ जी दो जरूरी है, आपने एक से स्टार्ट नहीं करना, दो जरूरी है उसमें. मैम अगर एक लाइक अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मुझे बताना है उसका. यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे लिखती हूँ, ये मैंने इक्वेशन लिख दी कि एक्स, ठीक है एक्स, और फिर आपके लिए लिख रही हूँ. मैं डी ही यूज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे पार्शियल वाला साइन कोई है. ठीक है, मैं डी मैं क्या यूज कर रही हूँ? डी यूज कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने पार्शियल यूज कर, पार्शियल की जगह पे डी. मैम सिक्स यूज कर. हाँ जी सिक्स यूज कर ले, सिक्स उल्टा नहीं हो सकता है. पे आ नहीं रहा हूँ, पेंसिल नहीं आ रही है.
ओके मैम कोई भी डी यूज कर ले मैम ठीक है लेकिन आप लोगों ने पार्शियल यूज करना है ठीक है ओके ओके आप लोग पार्शियल यूज करना लेकिन मैं डी यूज कर रही हूँ डी ओके डी यू ओवर डी एक्स ठीक है फिर प्लस प्लस वाई पार्शियल मतलब कि पार्शियल यू या पार्शियल वी ले लो आप पार्शियल वी ओवर ओवर पार्शियल पार्शियल वाई ठीक है प्लस फिर आपने क्या करना है जी पार्शियल सॉरी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी इक्वल टू जीरो ठीक है इक्वल टू जीरो कर दें या इक्वल टू एक्स वाई और जी कर दें ठीक है अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास क्या हुआ कि एक या एक से ज्यादा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो या दो से ज्यादा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है और एक या एक से ज्यादा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि यू आपके पास क्या है डिपेंडेंट है वी आपके पास क्या है डिपेंडेंट है एस आपके पास क्या है डिपेंडेंट है और अब यहाँ पर क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा आपके पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मींस के एक्स है उसके बाद फिर आपके पास वाई है फिर आपके पास क्या है टी है तो ये आपके पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा ये इसकी कंडीशन है कि दो या दो से ज्यादा आपके पास क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं लाइक अगर मैं यहाँ पर जस्ट लिख दूं आपके लिए कि यहाँ पर वी ही लिख दूं और साथ वाला जो है ये टी जो है मतलब ये जो एस लिखा है इसको भी मैं वी कर दूं तो नो इशू ठीक है नो इशू क्यों क्योंकि मैंने क्या करना है कि मैंने वी का ही डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी मेरे पास क्या होगा कि वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उन्हीं के ही रिस्पेक्ट से आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू या टू से ज्यादा होने चाहिए ठीक है तो ये आपके पास क्या होगी ये इक्वेशंस भी हो सकती है कि आप अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लो तो ठीक है क्लियर है ये पॉइंट सबको यस मैम ओके मैम ओके नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में आपके पास क्या है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमने क्या करना है कि क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर अब आपने देखना है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ये है तो उसमें है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब आप यहाँ पर देखो तो आपके पास आप लोगों को ये तो क्लियर होगा ना कि अगर आपके पास जिसकी पावर वन होगी मीन्स के डी वाई ओवर डी एक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास ठीक है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र है ये आपके पास क्या है सेकेंड डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ठीक है उसके बाद अगर मैं यहाँ पर थ्री कर दूँ टू की जगह पर थ्री कर दूँ तो ये थर्ड में चला जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और अगर यहाँ पर फोर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर यहाँ पर फिफ्थ कर दूँ तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया लेकिन अगर आपके पास मतलब के फिफ्थ ऑर्डर आए तो आपने हाईएस्ट ऑर्डर देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा लाइक अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं जस्ट आप फर्स्ट एग्जांपल को देख लो तो इसमें से बताओ कि मुझे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इस इन दोनों डेरिवेटिव सेंटर वाला मैं फर्स्ट वाला हूं ये जो पावर आ रही है ये इसकी डिग्री है मैम फर्स्ट वाला होगा मैम फर्स्ट वाला ही है मैं बात कर रही हूँ कि ये टू ये वाला जो आपके पास क्या हो कि डी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर ले लेती मैम डी स्क्वायर एक ही पे है और किसी भी में नहीं है ये देखें अगर ये इस तरह से आए और ये चीज ठीक है ये टू आ गया आपके पास तो अब आपने क्या करना है कि पहले आपने डेरिवेटिव देखना है कि डेरिवेटिव कौन सा ग्रेटेस्ट है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
तो आप क्या करें कहेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पर आपको आपके लिए फाइव कर दूं, इसको ये भी फाइव कर दूं और ये भी फाइव कर दूं, ठीक है, ये भी फाइव कर दूं, तो अब बताएं कि अब इसका ऑर्डर क्या होगा। मैम अब भी यही होगा, डी मैम अब थ्री वाला होगा आई थिंक। नो 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 मैम, ये डी फाइव वाला ही होगा, यही वाला ही होगा। आपने आपने इस ये पावर देखनी है, ये पावर देखनी है कि ये पावर कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ये इतने ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है इसको। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज क्लियर करती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर ले लो, अब फिर पेंसिल चली गई है, ये आपके पास आ गया ना। अगर यहाँ पर मैं फोर लिख दूं, फोर, ठीक है, और ये भी फोर लिख दूं, ये फोर, तो अब बताएं कि अब इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, और उसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट वाला मैम, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला हाईएस्ट है, ठीक है, डी की पावर क्या है, फोर है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास इसका ऑर्डर क्या होगा, फोर होगा। जैसे कि अगर आप ये नीचे वाली एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ये देखें, तो ये क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, ठीक है, और ये भी फोर आ रहा है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, फोर है, ठीक है, डेरिवेटिव yes, कौन सा, फोर है, तो उसकी पावर क्या आ रही है आपके पास, फोर, तो क्या कहेंगे आप कि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, फोर है, और जिसका ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, फोर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है मैम। अगर फोर और एक थ्री हो, ऊपर फोर हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखें अगर आपके पास ये हो डी थ्री, ठीक है, ओवर डी एक्स, इसका ये रिलेशन है थ्री, ठीक है, ये इसका रिलेशन है, तो जो ऊपर वैल्यू होगी वो ही नीचे होगी। हाँ, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये फंक्शन आपके लिए कुछ भी हो सकता है, लाइक कि वो आपके लिए वाई हो जाए, ठीक है, वो आपके लिए क्या हो जाए, U हो जाए, V हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो इतनी है, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपको बता रही है कि ये डेरिवेटिव है, और इसकी पावर को देखकर आपने बताना है कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये, ठीक है, ओके मैम। जैसे कि आप यहाँ पे लिखो, तो ये D ओवर D X, ठीक है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट, ये जो इसकी ये नोटेशन है डेरिवेटिव की, ठीक है, ये क्या है, ये नोटेशन है डेरिवेटिव की, तो अब ये क्या है आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर मैं इसकी पावर क्या कर दूं, टू कर दूं, तो मुझे जाहिर बात है यहाँ पे भी टू लगाना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं इसको थ्री कर दूं, तो इसको भी क्या करूंगी, इसको भी थ्री करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव। अगर मैं इसको फोर कर दूं, तो इसको भी जाहिर बात है फोर करूंगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको फाइव कर दूं इसकी पावर को, और इसको भी फाइव कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो आपने जब ऑर्डर की क्लेरिफिकेशन करनी है, तो आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, और उसकी पावर आपने बतानी है कि कितनी है पावर, और ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। क्लियर है ये सबको पॉइंट? यस मैम। ओके, यस मैम। यहाँ पर अगर yes, हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा कि जस्ट आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये पावर नहीं देखनी कि ये पावर थ्री आपके पास क्या आ रही है, कि ये हाईएस्ट पावर आ रही है, कि इसकी पावर देखें तो वन आ रही है, और इसकी देखें तो ये थ्री आ रही है, ये नहीं देखना आपने। आपने जो डी के ऊपर वैल्यूज होगी और जो एक्स के ऊपर वैल्यू होगी, वो आपके पास क्या होगा, बेसिकली ऑर्डर होगा, ठीक है, होल पावर नहीं देखनी आपने। ओके मैम। और अगर आप यहाँ पर देखें हम, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज एन इज अ
इन एन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर अब हम हाईएस्ट ऑर्डर देखें तो वो हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, और इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, टू आएगा. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा लें आप. उसके बाद अब आप आ जाए डिग्री की तरफ, कि डिग्री आपके पास क्या होती है. अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में भी आपके पास सेम यही चीज होगी, कि उसमें आपने क्या करना है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, आपने उसकी पावर आपके पास क्या आ रही है, थ्री आ रही है, क्यूब. तो इसका क्या मतलब है कि वो आपके पास क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, डिग्री होगी. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई ओवर डी एक्स और क्यूब माइनस वाई फोर वाई इज इक्वल टू एक्स. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखो कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर वन है. तो अब यहाँ पर देखो कि इस इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो उसकी पावर आपके पास क्या आ रही है, वन आ रही है. तो मींस कि आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री क्या होगी आपके पास, वन होगी. ठीक है, आपने मिस्टेक ये नहीं करनी कि आप हाईएस्ट डिग्री की पावर ये वाली ले लो कि आप थ्री लिख दो. ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने. आपने ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है पहले इक्वेशन में से, फिर आपने उसकी पावर देखनी है, और वो पावर आपके पास क्या होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. क्लियर है ये सबको पॉइंट? यस मैम. ओके, यस मैम, क्लियर है. ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एक और वैल्यू हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि d4y over dx और 4. ठीक है, तो इसकी पावर आपके पास क्या हो, 2 हो. तो फिर, और ये प्लस का साइन है बीच में, फिर क्या करोगे, फिर पूरी इक्वेशंस में से देखो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है आपके पास, 4 वाला. यस मैम, 4 वाला. तो उसकी पावर आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2. तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होगी, 2 होगी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 4. यस मैम, 4 होगा. यस 4 होगा. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 4 होगा. और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 2. ओके, मींस के यहां तक ये क्लियर है आप लोगों को? यस मैम. जहाँ से बॉयज आप लोगों को समझ ना आए प्लीज मुझसे पूछ लेना कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही है. ठीक है, ओके ओके. नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके पास क्या है, इक्वेशंस हैं, कि इक्वेशंस में क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन विच इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच इन्वॉल्व्स इन द एक्सप्रेशंस. ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए और वो आपको कोई एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी देते हो, तो इस तरह की वैल्यूज या इस तरह की क्या जो आपके पास टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, लाइक के इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, अब बात चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ, के सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वो क्या होगा आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा कि एनी फंक्शन एफ, कोई एक फंक्शन है आपके पास, लाइक के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन लगा लें आप, लाइक यहाँ पे लिख लें आप के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, ये आ गया आपके पास.
ये क्या है आपके पास कि f of x is equal to x square plus 2 है, तो वो उसने कहा है कि any function, कोई भी function हो सकता है, we satisfy the given differential equation. अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि वो differential equation को भी satisfy करना चाहिए, ठीक है? वो क्या करना चाहिए? Differential equation को. क्या ये differential equation है? I think नहीं. Yes. कैसे? कैसे नहीं है ये differential equation? मैम ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जस्ट फंक्शन है, ये डेरिवेटिव कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है? ये फंक्शन है जस्ट, फिर था नो, फिर भी नहीं था, फिर भी नहीं था, हमारा डी और डीएक्स कैसे हो सकता था? डेरिवेटिव ही नहीं है मैम, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है. अगर इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता तो फिर हम इसको कहते कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. जब तक इसमें डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, हम इसको ये जरूर कह सकते हैं कि ये फंक्शन है हमारे पास. उसने कहा है कि ऐसा फंक्शन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा, वो हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है? यस मैम. अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो नीचे आओ, नीचे इसकी एग्जाम्पल है. नीचे आपके पास यहाँ पे देखो कि ये आपके पास y है, ठीक है? अगर यहाँ पर पहले हम इसका क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे कि हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, c 1 हो जाएगा. और c आपके पास क्या है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो आपके पास, हाँ जी, जीरो हो जाएगा ना, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है आपके पास c, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है? 1. तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आपके पास क्या होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, ठीक है? क्योंकि वो एटलीस्ट 1 डेरिवेटिव कंटेन कर रही है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है? ओके मैम. अब यहाँ पर आओ तो आगे उसने बता दिया कि इस तरह की इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं. अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के आगे से 3 टाइप्स हैं. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपके पास 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? सेकंड टाइप आपके पास क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और थर्ड टाइप आपके पास क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है? फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, जस्ट आपने क्या करना है कि कोई भी एक फंक्शन ले लो आप, ठीक है? अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा, लाइक के सी की वैल्यू, ठीक है? लाइक आपके पास क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई है, तो वो आपके पास क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा. मतलब कि सी आपने उसमें क्या कर दिया, डेरिवेटिव में इन्वॉल्व कर दिया. अगर आप आओ यहाँ पर एक्स की जगह पर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये जो सी है आपके पास, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? इसकी वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे कि y प्लस सी लाजमी लिखोगे. जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा, लाइक अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर है आपके पास, ठीक है? dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है? आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास सॉल्यूशन किस शेप में आना चाहिए कि y इज इक्वल टू x प्लस c. तो ये जो c है, ये c जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये आपके पास c. तो इस तरह के जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है? यस मैम. क्या होगा मैम, ये तो फिर इंटीग्रेशन में नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन में नहीं आएगा. डेरिवेटिव में भी तो हम यही करते थे ना, जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो डेरिवेटिव में जब हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में आपके पास क्या आता है कि या तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाते हैं या आपके पास रिपीटिंग होना शुरू हो जाती है. मींस कि अगर आपके पास 1 1 आ गया, एक इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन आ गया 1 1, ठीक
ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, रिपीटिंग में चला गया है। तो रिपीटिंग में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सी वन प्लस एक्स प्लस सी टू और ई की पावर एक्स लिख दोगे, या एक्स की पावर टू लिख दोगे, एक्स स्क्वायर लिख दोगे, ऐसे लिखते थे ना। यस मैम। वो आपके पास क्या होगा कि एक्स प्लस सी, तो वो जो ये आपके पास c है ये क्या है, ऑर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो वो हमारे पास इस तरह की वैल्यू क्या होंगी, जनरल सॉल्यूशन की तरफ होंगी। और दूसरी एग्जांपल है आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होती है, ठीक है। लाइक अगर आप इसमें देखो तो आपके पास जो y के साथ वैल्यू होती है वो आपके पास x की होती है, x नोट की वैल्यू होती है, और जो राइट साइड पर आपके पास वैल्यू होती है वो y नोट की होती है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखो कि x नोट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है, और y नोट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वन आ रही है। आप इस इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि अभी तो आपके पास ये इनिशियल सॉल्यूशन में है, जनरल सॉल्यूशन में है, तो अगर आप y की जगह पे वन पुट करोगे तो आपके पास वन आ जाएगा। x की जगह पर अगर आप जीरो पुट करते हो तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वन आ गई। तो आप क्या करोगे, सी की जगह पे पुट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मींस के जब तक वो ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट में रहेगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा। जब हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से, तो तब वो हमारे पास, हम सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी आई है, क्या ख्याल है, नींद आ गई थी, ठीक। एक मिनट थोड़ा क्लियर कर दें प्लीज। अच्छा ठीक है, रिपीट कर देते हैं। इसमें आपके पास क्या होगा कि आपने जब तक आपने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन आ गई, पहले आपने उसको क्या किया कि आपने उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, लाइक कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हम इससे थोड़ा सा और इजी ले लें तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप क्या करोगे कि आपको कोई एक फंक्शन गिवन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे कि डेरिवेटिव ले लोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू यू ले लोगे, ठीक है, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे, फिर यू का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे, ठीक है। उसको सॉल्व आउट करोगे, आपके पास कोई दो सॉल्यूशन आएंगे या एक सॉल्यूशन आएगा, जितने वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास सॉल्यूशन आएगा ना, जैसे कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें, तो आपके पास क्या होगा कि टू ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, दो आएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन एक ही आएगा, जैसे कि आपके पास x की टर्म में आ जाए या y की टर्म में, किसी भी टर्म में आ सकता, पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास जब सॉल्यूशन आ गया तो आपके पास क्या आया कि एक कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो गई उसमें, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट टर्म भी तो होगी ना, जो कि सी है आपके पास, सी की फॉर्म में। आप लोगों ने ये देखना है कि हम जब FSC में पढ़ते थे तो FSC में हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास रिपीटिंग में आ जाता था तो हम क्या लिखते थे, मतलब कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट होते थे x प्लस सी टू एक्स एंड सो ऑन, ऐसे लिखते थे उसको, अगर हमारे पास रिपीटिंग होना शुरू हो जाती थी, अगर हमारे पास सॉल्यूशन की रिपीट होना शुरू हो जाता था तो हम क्या करते थे कि x की पावर को इंक्रीज कर देते थे, ऐसे ही था, x की पावर को क्या करते थे, इंक्रीज कर देते थे, लाइक कि हमारे पास c है तो c1x plus c2x square plus c3x cube, ठीक है, इस तरह से लिखते थे। तो उसके बाद अगर हमारे पास इमेजिनरी, मतलब कि इमेजिनरी में आ जाते थे तो हम आयोटा में कम्प्लेक्स वाली साइड पे उसको शिफ्ट कर देते थे, yes, ma'am. आयोटा की फॉर्म में आ जाता था, तो फिर हम क्या करते थे कि साइन और कोस यूज करते थे, ऐसे ही है,
साइन ऑफ कोस यूज करते थे. तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जब हम इसकी, जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे ना, मतलब कि जब हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जस्ट अभी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए डेफिनेशन क्लियर हो जाए आप लोगों को कि सिंगुलर क्या होती है, और उसके बाद आपके पास पर्टिकुलर क्या होता है, और आपके पास जनरल सोल्यूशन क्या होता है. जब हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ, इनके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होती है, कि हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जब तक हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन नहीं होगी, तब तक हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, वो जस्ट हमारे पास जनरल सोल्यूशन की फॉर्म में ही होगा. ठीक है, तो वो आपके पास कोई भी एक सी, कोई भी एक रेंडमली वेरिएबल, यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने सी ही लिखना है. ठीक है, आप ए भी लिख सकते हो इसमें. तो अगर आपके पास कोई एक भी ए, मतलब के वेरिएबल इन्वॉल्व है जो कि ऑर्बिट्रेरी, ये तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. लेकिन सी जो है ये ऑर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये हमें कोई वैल्यू नहीं दे सकता यहाँ पर. अब ये हमें अभी अननोन वैल्यू है, लेकिन जब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी, मतलब कि इनिशियल वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि वाई नॉट है, y of 0 is equal to 1 है. ठीक है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है. y of 0 is equal to क्या है, 1 है. ये हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू है. इनिशियल वैल्यू में आपके पास क्या होता है कि y के साथ जो टर्म होती है वो आपके पास x नॉट की टर्म होती है, और इक्वल की राइट साइड पे जो टर्म होती है वो y नॉट की टर्म होती है. ठीक है, तो जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, जो सोल्यूशन आएगा आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, x नोट और y नोट की वैल्यू को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है. अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास x नोट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, y नोट की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1. तो आप क्या करोगे कि अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करोगे, पुट करके आप यहाँ से ऑर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे. लाइक अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँ 0 और y की पुट करूँ 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई और x की 0 आ गई, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1. वो मैंने जनरल सॉल्यूशन में पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1. तो अब ये ऑर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, अब इसने मुझे एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जो कि 1 है, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ओके मैम, यस मैम, हो गया. ठीक हो गया मैम, आप समझ आइए, सबको क्लियर हो गया कि अभी भी कुछ हैं बीच में जिनको समझ नहीं आ रही और वो फिर भी कह रहे हैं कि मैम हमें समझ आ गई है. सबको समझ आ गई है जी मैम. बाकी जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके मैम, सब करेंगे. उसके बाद आपके पास जनरल सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा. ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन होगा आपके पास, और वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा. उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरफ. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी. ठीक है, इफ द एसोसिएटेड कंडीशन with our differential equation are only on one point, the given probability is called the differential equation. अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास क्या है कि dy over dx is equal to minus x over y. अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इस differential equation को solve करोगे. ठीक है, solve करने के बाद आपके पास एक general solution आएगा. ठीक है, इस differential equation को solve करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये जनरल सॉल्यूशन आएगा. जनरल सॉल्यूशन में अब आपके पास x नोट की वैल्यू, अब हमें वहां पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होगा. ठीक है, वो सॉरी ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा. ठीक है, और ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आप क्या करोगे, फाइंड करोगे किसकी वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड करोगे. तो वो क्या होगा आपके पास कि x नोट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी, मतलब कि 3 आएगी, और y नोट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 4 आएगी. आप उसको मतलब कि उसमें पुट करोगे वैल्यू को, पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, y की या c की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, c की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आप क्या करोगे कि जो ये सॉल्यूशन आ रहा था इसके साथ आप क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो वो आपके पास जनरल सॉल्यूशन से क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. क्लियर है ये पॉइंट सबको?
मैं ये 4 और 3 कहां से आया वैसे आपने कहां से वैल्यू ली ये 4 और 3 नो ये आपको इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी ये मैंने खुद से नहीं ली हुई है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि dy over dx is equal to minus y over x over y और इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या होगी 4 y of 3 is equal to 4 ठीक है ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जब आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे ठीक है अब अच्छा मुझे एक और बात बताओ यहां पर आपके पास ये वाली जो फर्स्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आप मुझे बताएं कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है मैम इसका जो है ना अपना ऑर्डर वो है d की पावर 1 मैम ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है डिग्री मैम ऑर्डर भी 1 है डिग्री भी 1 है 1 ही 1 वेरी गुड उसके बाद आप मुझे ये बताएं क्या ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी है ये ऑर्डिनरी है ठीक है उसके बाद अब आपने ये तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि जो सेकंड नीचे वाली इक्वेशन है इसमें तो उसने लिखा हुआ है कि dq y/dx² इसका क्या मतलब है ये अपना d के अपना क्या था ये ऑर्डर को ये ऑर्डर आ जाएगी d की जो पावर वो ऑर्डर है ना d की पावर तो ऑर्डर है लेकिन आप ये गौर करें कि ऊपर 3 लिखा हुआ है नीचे 2 लिखा हुआ है लेकिन वो नीचे x की पावर नीचे x की पावर 2 लिखा है वो ना कि d की पावर लिखा हुआ तो मैंने आप लोगों को अभी मैंने आप लोगों को गलत लिखा हुआ है हां जी मैंने अभी आप लोगों को रिलेशन मैंने आप लोगों को अभी रिलेशन बताया है कि इसका रिलेशन होता है कि d ओवर dx होता है ठीक है तो जो ऊपर d की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी यस मैम तो ये गलत लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है या तो इसको 3 कर लेना या इसको 2 कर लेना ठीक है ऊपर वाले d को ओके मैम d को 2 कर देना या नीचे जो x है उसको 3 कर देना ठीक है और फिर अब इसकी पावर डिग्री बताएं मुझे कि इसकी डिग्री क्या होगी किसकी मैम मैम 1 मैम डिग्री 1 और इसका ऑर्डर क्या होगा 3 मैम थर्ड ऑर्डर 3-2 3 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी है ना अगर आप d अकॉर्डिंग टू x चेंज करोगे तो फिर 2 हो जाएगा और अगर आप अकॉर्डिंग टू d चेंज करोगे तो फिर 3 हो जाएगा ओके ओके ठीक है उसके बाद ओके मैम उसके बाद आपके पास ये देखो कि ये क्या है ये d y मतलब कि y प्राइम इसका क्या मतलब है मैम इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव पर आपने क्या करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करनी है यस मैम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात फर्स्ट डेरिवेटिव पर और ये इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को ब्रीफली जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाए ठीक है इंशाल्लाह और कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लें आप लोग और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी आपको तब ही समझाऊंगी क्योंकि तब ही क्लियर समझ आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे इसका yes, ठीक है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस वजह से आपको करवाया क्योंकि हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन भी चाहिए था ठीक है जनरल सॉल्यूशन और फिर उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो ये दोनों वैल्यूज का हमें पता होना चाहिए और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे ठीक है और कोई क्वेरी है आप लोगों को तो मैम इसकी बुक वगैरह नहीं है इसकी बुक है बुक नहीं है इसकी बुक है बुक है इसकी तो फिर कौन सी फिर सेंड कर दें वो मैं आप लोगों के उस पे ना अपलोड कर दूंगी मैम इसकी कोर्स आउटलाइन भी अपलोड कर दीजिएगा साथ ही हां जी ठीक है हां जी नेक्स्ट कैंप तक ये सारा ऑनलाइन चलेगा या आपके साथ कोई फिजिकल भी क्लास होगी हमारी ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो अगर आप लोग अपने सीओडी से या अपने वो जो द कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करें कि मतलब कि हमारे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा ये ऑनलाइन से फिजिकली में कन्वर्ट कर दें तो मे बी स्टूडेंट्स की बात मान ली जाए और पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी जाए आप लोगों को मैम हम तो फिजिकल चाहते हो जाए फिर आप बात करें ना अपने सीओडी से बात कर लें जो आप लोगों के सीओडी हैं या आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लें बात करके तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी निकाल लें कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मिस लास्ट सेमेस्टर भी जो मिस हां जी
मिस लास्ट सेमेस्टर भी जो कोर्सेस थे जो अपना है लीनियर कोर्स है वो भी उन्होंने ऑनलाइन हालांकि वो हाइब्रिड में भी था तो उन्होंने ऑनलाइन ही करवाया था। हाँ जी हाइब्रिड था तो ऑनलाइन उसमें ये था कि अल्टरनेट डेज में आप लोगों के पास पिछले सेमेस्टर को नहीं लगता मानियो कि वो मैथ्स को जी वही उनका मतलब कि बात कर सकते हैं ना कि बेशक हाइब्रिड ही कर दे लेकिन एटलीस्ट फिजिकल इंटरेक्शन हो प्रैक्टिस होगी। हाँ जी हाइब्रिड में ये होगा मैथ्स कोर्सेज ऑनलाइन बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाइब्रिड में आप लोगों के पास ये होगी पॉसिबिलिटी कि जो स्टूडेंट्स मतलब के क्लास में आना चाहते हैं वो क्लास में आके समझ लें, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ लें, तो प्रोसीजर सबके लिए सेम होगा। मैं भी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिली। हाँ जी इसकी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी ठीक है। वो मैम ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ये जो चार पेज है ना पीडीएफ ये सेंड कर। हाँ जी ठीक है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। वेलकम मैम ये अटेंडेंस हो गई है? हाँ जी हो गई है अटेंडेंस भी हो गई है। मैम मेरी नहीं लगी अभी तक। क्या नेम है आपका? तहसन मैम उसामा फतेह अली की भी नहीं लगी। वन उसामा फतेह अली सेक्शन का ही है थर्ड नंबर पे जी थर्ड नंबर पे ये है। यस मैम एहसन रो यस और किसकी नहीं लगी है? उसामा फतेह अली मैम फतेह अली ठीक हो गया है। इसका मतलब आज तो सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं 21 वाह और इधर तो 14 शो हो रहे हैं मुझे वो बी में से मैम इंटरनेट कनेक्शन लोगों को खराब हो जाता ना वो लीव कर देते हैं। यस मैम नहीं का शायद अटेंडेंस के लिए आते हैं सिर्फ आप लोग अटेंडेंस के लिए गए फिजिकली हो रही है आप लोग अटेंडेंस की टेंशन ना लिया करें आप लोगों की अटेंडेंस लग जाया करेगी। आप लोग अपना ये एम बनाएं कि आप लोगों ने लेक्चर लेना है ठीक है आप लोगों ने कुछ गेन करना है कुछ सीखना है। हमारा नेटवर्क इशू आ रहा है जब तक आप लोग सीखोगे नहीं तो तब तक तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी और अभी तो आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है तो जब तक सेकंड सेमेस्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे कैसे जाओगे आप लोग? आगे जाओगे तो फिर वही क्यूरीज होंगी आप लोग रिजॉल्व नहीं करोगे अपने टीचर्स के साथ तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को फिर साथ साथ ही चलती जाएंगी तो यहाँ पे ही खत्म करो ये प्रॉब्लम अपनी ठीक है। आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर है अभी तो इनिशियल है तो सीजीपीए आप लोग अपना मेंटेन रखो 3 से अबव लेना है। अब तो आप लोगों का ये होता हुआ है कि जो बीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो मतलब कि डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं तो डायरेक्ट पीएचडी स्टूडेंट्स वो ही करेंगे जिनका 3 सीजीपीए होगा। तो अगर आप लोगों का 3 सीजीपीए ना हो अभी अप्रूव नहीं हुआ मैम हो गया हुआ है अप्रूव हो गया हुआ है ये जो अब न्यू इनटेक है ना न्यू इनटेक है उन पे ही एप्लीकेबल होगा। मैम यूएमटी करवाती है पीएचडी? जी बिल्कुल करवा रही है मैंने इंशाल्लाह फर्दर इसी में ही एडमिशन लेना है यूएमटी में ही। मैम आपने क्या किया हुआ और कहां से? मैंने एमफिल मैथ किया हुआ है यहां से ही किया हुआ है पीएच मोल यूएमटी से। उससे पहले मेरा जीसीयूएफ से है बीएस। मैम आप फैसलाबाद की हैं? नहीं मैं वैसे बेसिकली मैं उखाड़ा की हूं। तो इस वजह से आप लोग ये टेंशन ना लिया करें कि मतलब कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी हम शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएंगे आप लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने मोटिव अपना ये रखना है एम अपना ये रखना है कि हमने लेक्चर लेना है। यस मैम इंशाल्लाह हम सारे लेक्चर लेंगे। मैम आप उखाड़ा की हैं? हां जी मैं उखाड़ा की हूं। मैम मैं भी उखाड़ा से ही हूं। अच्छा चले मुबारक हो फिर तो मैम अब तो आप। हाँ जी क्या कहना चाह रहे हो यासिर महमूद? मैम मैंने समा फतेह अली था। अच्छा मैंने तो बस ये कहा कि मैं उखाड़ा गई। अच्छा 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 सही। हाँ जी उसामा क्या कह रहे हैं आप? मैम आपने ना मार्किंग जरा अच्छी करनी है हमारे तो आगे हमारा सीजी पे अच्छा बनने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों की मार्किंग अच्छी होगी इंशाल्लाह ठीक है। आप लोग जब तक पता क्या होता है जरूरी नहीं होता कि टीचर ही मिस्टेक कर रहे हैं टीचर्स वो देखते हैं जो बच्चे ने किया हुआ होता है ठीक है।
अगर आप लोगों की इनपुट अच्छी होगी, अगर आप लोगों की इनपुट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी आउटपुट भी अच्छी होगी। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह जरूर मैम। तो इस वजह से आप लोगों ने ये ट्राई करना है कि आप लोगों ने मुझसे मार्क्स कैसे लेने हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, वरना टीचर्स कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स मतलब के बगैर किसी वजह के नहीं काटते। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने मार्क्स कैसे लेने हैं। जब तक आप लोगों में ये नहीं आएगा कि हमने मार्क्स ऐसे नहीं लेने, जब तक आप लोग सीरियस नहीं होगे ना तब तक आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस दिन आप लोग सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दोगे उस दिन आप समझ जाना कि अब हमें मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल मैम, सही है। तो इस वजह से ये मार्क्स आप लोगों ने खुद लेने हैं। मेरी तो मार्किंग पे कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने अगर मतलब कि एक्यूरेट, मैं जस्ट मैं ये देखूंगी कि क्वेश्चन ठीक है, प्रोसीजर आप लोगों का ठीक होना चाहिए। आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रोसीजर ठीक होगा तो ठीक है, फिर तो काटने आपके मार्क्स बनते ही नहीं है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग मैं जस्ट ये देख सकती हूँ कि आपके आंसर ठीक है, बाकी आपकी कैलकुलेशंस नहीं देखूंगी कि आप लोगों ने कहाँ पे प्लस लगाया हुआ है माइनस लगाया हुआ है, लेकिन उसका आंसर आपका ठीक आना चाहिए। तो आंसर्स के भी मार्क्स होते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। तो प्रोसीजर्स के हाफ से ज्यादा होते हैं और आंसर के एक दो होते हैं, तो वो आप लोगों को जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्विजेज कितने होंगे, मतलब वेटेज कितनी होगी, मिड टर्म की कितनी होगी, फाइनल की वेटेज कितनी होगी, ये बता दीजिए। जो लास्ट सेमेस्टर में थी, लास्ट सेमेस्टर में जो वेटेज थी वो तो ये थी कि 40 मार्क्स का आपका फाइनल था ठीक है, और उसमें आपकी मतलब के 60 मार्क्स जो आपके थे वो सेशनल ही लगा लो, उसमें आपकी 10 मार्क्स की प्रेजेंटेशन थी, 10 मार्क्स का आपका वाइवा था, 10 मार्क्स के आपके क्विजेज थे, 20 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन थी, उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी क्लास एक्टिविटी थी। इस तरह से 60 मार्क्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन आई थिंक सो कि इस बार आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑन कैंपस ही होंगे। तो मैं भी वाइवा वगैरह कैंसिल हो जाएगा ना अगर ऑन कैंपस होते हैं तो? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों की मतलब की डिवीजन कर देंगे हम कि क्या करेंगे। मैं 50 मार्क्स का हो जाएगा। हाँ जी, फिर 50 मार्क्स का आपका फाइनल हो जाएगा। और हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, 20 की क्विज़ का मैं। हाँ जी ऐसे होगा। प्रोजेक्ट वगैरह क्विज ले लें, क्विज ले लें या कोई असाइनमेंट्स ले लें। नहीं, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ओके मैम। जो आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसी से ही रिलेटेड आप लोगों की असाइनमेंट्स होंगी, तो वो आप लोगों ने असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवानी होंगी बस। मैम जो हमारे असाइनमेंट्स और क्विजेस होंगे ये तो ऑनलाइन ही होंगे ना, अगर हमारी क्लास ऑनलाइन नहीं गई तो? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मिड टर्म भी? नहीं, मिड टर्म का तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि मिड टर्म भी आपके ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। अभी भी आप लोग ऑनलाइन ही पेपर देना चाहते हो, बस करो इतने तो पेपर। मैं ऑनलाइन ना ही लेंगे लोग। सुबह 8 बजे शुरू होता है, शाम को 6 बजे जाके बेला होता है। हाँ तो देखो मैं बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, वाइवे के इंतजार में पता नहीं कब बारी आती है आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो स्टूडेंट्स का खुद का नुकसान है जो जो लोगों ने इतनी स्ट्राइक की और क्या कुछ उन्होंने किया। यस मैम, ऐसे ही आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। ये जो आखिरी सेमेस्टरों वाले नहीं है वो थे। वैसे मैम हमारी क्लास में कोई भी नहीं था, 20 सेक्शन में से मैम कोई भी नहीं था। आप लोग नहीं चाह रहे थे कि ऑनलाइन हो मैम, हमें तो जैसी होनी यूनिवर्सिटी ने अपनी सुननी है। पेपर हाँ, तो ये भी है, पेपर तो देना ही देना है हमने तो। सारे अपने अपने घरों पे हैं। अच्छा, लेकिन आप भी पहुंचते 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 8वें सेमेस्टर तक आप लोग भी खराब ना हो जाना, बस शरीफ ही रहना। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है। मैम बहुत शरीफ है, शरीफ होते हैं। मैंने तो सुना इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स बहुत बदतमीज होते हैं। नहीं उन्होंने यही कहा कि हमें कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई तगड़ी टीचर हमें चाहिए होंगे, मतलब के कोई हेल्दी होने चाहिए इलेक्ट्रिकल को पढ़ाना है, तो इस वजह से उन्होंने यही कहा कि हेल्दी वाले टीचर दें हमें, ताकि
बड़ी एनर्जी लगती है उनको पढ़ाने के लिए। नहीं मैम, हम जल्दी समझ आती है, हमारी क्लास जल्दी समझ आती है, बाकियों का हमें नहीं पता, लेकिन हमारी क्लास जल्दी समझ आती है। हाँ, एज कम्पेयर टू ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मैंने जो सेक्शन ए को पढ़ाया ना, उसमें मैंने अभी जस्ट दो डेफिनेशंस ही क्लियर करवाई थी उन्हें, लेकिन आप लोगों ने मतलब के पूरा लेक्चर पढ़ लिया हुआ है। मैम, आप ए और बी को आप इकट्ठे आप ही पढ़ा रही हैं? हाँ जी, मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो मैम, एंड पे ए और बी की जो ग्रेडिंग होती है वो सेम, वो इकट्ठी होगी कि अलग अलग होगी? उसमें ग्रेडिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, जब आप लोगों की डिवीजन ही सेम होगी तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि ग्रेडिंग आप उसके साथ होगी या इसके साथ होगी। आप लोगों का अलग सेक्शन है, आप लोगों का अलग सेक्शन है तो आप लोगों की ग्रेडिंग अलग होगी, और जो दूसरा सेक्शन है उनकी ग्रेडिंग अलग होगी। जी मैम, कंबाइन तो कर नहीं सकते हैं। जी मैम, मैम ग्रेडिंग अलग होगी? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग होगी। ओके, बाकी आप लोगों ने इस तरफ से परेशान नहीं होना, आप लोगों ने मेरा लेक्चर जो है वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। कोई भी क्यूरी हो आप लोगों को, कोई भी किसी भी किस्म की, कोई भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को मैथ डिपार्टमेंट का पता होगा, उधर डॉक्टर अजीजुर रहमान का ऑफिस है, ठीक है? मैं सारा दिन उधर ही होती हूँ। हाँ जी, मैं 5 बजे तक उधर ही होती हूँ। मैम, लगता है कि सारी क्लासेस ही ऑनलाइन, इंशाल्लाह इन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी क्लासेस, मेरी आप लोगों की ये दो ही क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन है, बाकी दो बाकी जो है वो ऑनलाइन नहीं है, बाकी ऑन कैंपस हैं, ये दो आप लोगों के साथ जो है ये ऑनलाइन है। मैम, इसको भी ऑन कैंपस करवा लेते हैं अगर ये बच्चे मान जाए तो। ऑन कैंपस आप बच्चों से बात कर लें ताकि वो बात करें तो मे भी पॉसिबिलिटी हो के हो जाए आप लोगों का ऑन कैंपस। मैम, आप किसी डिपार्टमेंट में अगर खुदाना खास्ता से मिलना पड़े, खुदाना खास्ता मिलना पड़ जाए, मैं मैथ डिपार्टमेंट में होती हूँ डॉक्टर अजीजुर रहमान के ऑफिस में। डॉक्टर अजीजुर रहमान का ऑफिस का पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सीओडी है वो। ओके मैम, डॉक्टर अजीजुर रहमान अजी देख, खुशी से जाके मिलना, खुदाना खास्ता कह रहे हो तो आप उधर आके मुझसे कोई भी आप लोगों की क्यूरी हो तो आप मुझसे आके वहां पर पूछ सकते हो, मैं वहां पर ही होती हूँ। 10 बजे के बाद आप किसी भी टाइम पर आ जाएं, इंशाल्लाह मैं वहां पर ही होंगी। ओके मैम, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप लोग पूछ लिया करें मुझे, उसे कोई भी क्यूरी या सिर्फ भी कैमरा ऑफ कर ले, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वो भी पूछ लें आप उधर आकर। ठीक है मैम, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके मैम, लीव कर सकते हैं हम? हाँ जी, ठीक है। वैसे आप लोगों की टाइमिंग मेरे पास जो शो हो रही है वो 1:30 की हो रही है, मतलब कि 3:30 की शो हो रही है, 3:30, लेकिन आई थिंक सो के मैम 3:15 की होनी चाहिए, 3:15 की होनी चाहिए ना? हाँ जी, मैं भी ये कह रही हूँ कि 3:15 की होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की टाइमिंग जो शो हो रही है ना वो मुझे 3:30 की शो हो रही है। मैम, हमें जो टाइम टेबल हमें शो हो रही है वो 2 से 3:15 ही शो हो रही है, 3:15 ही शो हो रही है। चलें, ठीक है, बस ठीक है फिर। ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़। यस मैम, 2 से 3:15 ही है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ मैम, टेक केयर।